दिया, मैंने अश्वत्थामा का वध कर दिया कि मेरे पुत्र अश्वत्थामा का वध हो गया। अश्वत्थामा हता इति, अश्वत्थामा हता इति नरोवा कुंजरोवा। युद्ध के कोलाहल के बीच यह सुनते ही गुरु द्रोणाचार्य ने अपने शस्त्र त्याग दिए और धृष्टद्युम्न ने उनका वध कर दिया। जी हाँ, यह महाभारत की एक लोकप्रिय कथा का वर्णन है। मध्य प्रदेश की कहानियाँ की इस कड़ी में हम आपको अश्वत्थामा से संबंधित असीरगढ़ किले के बारे में बता रहे हैं। माना जाता है श्री कृष्ण से श्राप मिलने के उपरांत अश्वत्थामा इस किले के आसपास आज भी विचरण कर रहे हैं और कलयुग के अंत के साथ ही उनका श्राप भी समाप्त होगा। जानते हैं इस श्राप का कारण क्या था? अपने पिता की मृत्यु का समाचार प्राप्त होने पर अश्वत्थामा ने प्रतिशोध की आग में पांडवों के सोते हुए पुत्रों का वध कर दिया। इससे क्रोधित होकर श्री कृष्ण ने उनके माथे की मणि छीन ली और उन्हें श्राप दिया कि उन्हें कलयुग के अंत तक मुक्ति प्राप्त नहीं होगी। माना जाता है कि आज भी वह प्रतिदिन सवेरे ताप्ती नदी में स्नान करने के उपरांत असीरगढ़ किले में स्थित गुप्तेश्वर महादेव मंदिर में पूजा करने आते हैं और पुजारियों को सवेरे मंदिर के पट खुलने के बाद शिवलिंग पर ताजे फूल चढ़े मिलते हैं। यह किला बुरहानपुर से मात्र 20 किलोमीटर की दूरी पर है एवं नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच सतपुड़ा की पहाड़ियों के शिखर पर बना हुआ है। सुनहरे अतीत को जानने और यहाँ के नज़ारों का अवलोकन करने आप भी असीरगढ़ किला देखने अवश्य आएं और इस प्रकार की रोचक कथाओं को जानने हेतु हमसे जुड़े रहें।